तो यार क्या हाल है, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नटी न्यूज, जहां हम लोग सुपर हीरो से रिलेटेड अपडेट शेयर करते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। वैसे ये वीक थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन कई सारे मूवीज के सेट से फोटोज मिले हैं, कुछ कास्टिंग अपडेट्स हैं एंड ऊपर से थॉर 4 में थॉर के हैमर का फर्स्ट लुक भी है, तो ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले आते हैं स्नाइडर कट पे, जो कि 18 मार्च को रिलीज होने वाली है। तो इससे स्टीपेनवुल्फ के आर्मर का ये कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया है। वैसे ऑफिशियल ट्रेलर में लुक थोड़ा अलग लग रहा था, बट ये भी है कि स्टीपेनवुल्फ का आर्मर का शेप ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर साइबॉक का ये कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुआ, मूवी में एग्जैक्ट ऐसा सेम होगा या नहीं पता नहीं, बट ट्रेलर से ये शॉट देखकर जरूर लग रहा है कि साइबॉक के पास एक्स्ट्रा आर्म होंगे। एंड स्नाइडर कट से इसके प्रमोशन के लिए ऑफिशियली ये दो नए पोस्टर रिलीज किए गए हैं। अब बढ़ते हैं वांडा विजन पे। तो सबसे पहले तो इसके बिहाइंड द सीन्स के कुछ सेट फोटोज शेयर किए गए हैं, मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके देख लेना एंड अगर किसी ने कुछ यूनिक नोटिस किया तो कमेंट में बताना। अब सेट की फोटोज की बात हो ही रही है, तो पीसमेकर के शो से भी ये सेट के फोटोज आए हैं, जो कि खुद जेम्स गन ने शेयर किया। इसमें जॉन सीना बाकी के कास्ट और क्यू के साथ दिख सकते हैं। वापस अगर वांडा विजन पे आए तो रिसेंटली एक इंटरव्यू रिलीज किया गया पॉल बेटनी का, जिसमें उन्होंने वांडा विजन के फैन थ्योरीज पे रिएक्ट किया है एंड वही उन्होंने मेफिस्टो के फैन थ्योरी पे बोला कि इस पे वो कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। एंड सम ऑफ देम आर ईयरली एक्यूरेट बट दिस वन दैट मेंशंस मेफिस्टो आई कांट स्पीक टू राइट नाउ बिकॉज़ I'm worried about getting fired. वैसे इस वीडियो में और भी कई awesome details थे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो देख लेना। आगे अगर हॉकाई के शो पे बढ़े तो यहाँ तो सबसे पहले इसकी शूटिंग अटलांटा में हो रही है एंड अटलांटा में ही फ्लोरेंस पग को देखा गया। फ्लोरेंस ब्लैक विडो के मूवी में भी वन ऑफ द लीड है एंड अटलांटा में उन्हें स्पॉट करने के बाद सब ये गेस कर रहे हैं कि वो हॉकाई के शो में भी दिखेंगी। वैसे हॉकाई के सेट से भी कई सारे फोटोज आए हैं, जैसे कि लकी द पिज्जा डॉग की, हेली स्टाइनफील्ड के केट बिशॉप की एंड और भी कई, मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज कर लेना। वैसे मार्च 19 को फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी आ रही है एंड उसकी ही प्रमोशन का ये बैनर रिलीज किया गया। अब आते हैं फैंटास्टिक फोर और इससे रिलेटेड एक रूमर पे। तो लास्ट वीक एक रूमर आया कि जेनिफर लॉरेंस इस मूवी में सू स्टॉर्म का रोल प्ले करेंगी एंड इस मूवी की शूटिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, बट इस रूमर को अब गलत बताया जा रहा है एंड अब ये रिवील हुआ कि मार्वल स्टूडियोज ने अभी जस्ट डिफरेंट राइटर्स के साथ इस मूवी के लिए मीटिंग करना स्टार्ट किया है एंड अभी के लिए तो स्क्रिप्ट और स्टोरी भी रेडी नहीं है, तो शूटिंग तो बहुत दूर की बात है। अब बात करते हैं कुछ छोटे कास्टिंग अपडेट्स की। तो सबसे पहले तो एक्ट्रेस लॉरेल मार्सडन को मिस मार्वल के शो में जोई जिमर के रोल में कास्ट किया गया है, जो कि उसकी क्लासमेट रहेगी। देन एक्टर एरियन मोएट को स्पाइडरमैन 3 में एक डिटेक्टिव के रोल में कास्ट किया गया। अब अगर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन पे बढ़े तो इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का स्पेशल आईमैक्स एडिशन रिलीज किया जाएगा 23 मार्च को एंड मे बी डायरेक्टली ब्लू रे या कुछ स्ट्रीमिंग सर्विस के थ्रू। नेक्स्ट एक और अपडेट है फ्लैश के सोलो मूवी से, जहां ये रिवील हुआ कि फ्लैश की सोलो मूवी से सुपर गर्ल को DCU में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। DCU में साशा कॉली सुपर गर्ल का रोल प्ले करने वाली हैं एंड डायरेक्टर एंडी मुशेटी ने ये एक वीडियो भी शेयर किया, जहां उन्होंने रिवील किया कि वो नई सुपर गर्ल हैं और इस अनाउंसमेंट पे आप उनका रिएक्शन भी देख सकते हो। Alright. Do you wanna fly? Yeah, I would love to. Okay. Well, then maybe you will need this. You know what this what is? What? You're Supergirl. Felicitaciones. Muy bien. नेक्स्ट आते हैं थॉर के हैमर पे। तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि थॉर लव एंड थंडर में थॉर का हैमर दिखेगा या नहीं, तो भाई हाँ, ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि हैमर दिखेगा। क्रिस हेम्सवर्थ के स्टंट डबल बॉबी हॉलैंड ने टिकटॉक पे ये वीडियो शेयर किया था, जहाँ आप क्लियरली मेयोनीर देख सकते हो। वीडियो अपलोड करने के थोड़े देर बाद ही उन्होंने डिलीट कर दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट ये कंफर्म जरूर हो गया कि मेयोनीर का रिटर्न हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि कैप्टन ने तो मेयोनीर ऑलरेडी रिटर्न कर दिया था। एंड जाते जाते एक और छोटा सा अपडेट, तो फाइनली जेसिका जोन्स और पनिशर के राइट्स भी वापस मार्वल स्टूडियोज के पास आ चुके हैं। 2 साल पहले इन दोनों कैरेक्टर्स के नेटफ्लिक्स शोज कैंसिल कर दिए गए थे, तो हाँ अब आगे से इन कैरेक्टर को MCU में यूज किया जा सकता है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना। वांडा विजन के एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड स्नाइडर कट के लेटेस्ट ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा, टिल देन बी देसी बी नर्ड।